देखो आपकी बैटिंग अच्छी कब होगी, ठीक है, आप अच्छी बैटिंग कब करेंगे, जब आप कंट्रोल में रहेंगे, ठीक है। कंट्रोल में क्या रहना है, आदर्श आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि क्या है, आपका बैट बॉडी से ज़्यादा दूर जा रहा है। क्यों ज़्यादा दूर जा रहा है, अब सपोज करो एज ए बैट्समैन मैं हूँ, ठीक है, बैट्समैन मैं हूँ, तो अगर मेरी रीच इतनी है, ठीक है, इतनी है और मैं अपनी रीच इतनी लगा रहा हूँ, ऑब्वियसली देखो क्या जा रहा है, मेरा बैट आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ जब जाना होगा तो एजेस आपका स्टार्ट होंगे या एयर में बॉल जाना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रहे, और जो भी मेरे यूट्यूब पे भी व्यूअर्स हैं, ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका बैटिंग तब अच्छा होगा। बैटिंग का मेन फॉर्मूला क्या है, जितना ज़्यादा कंट्रोल में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप बॉडी के पास खेलेंगे, मीट करेंगे, ठीक है। अगर आपका ये बैट यहाँ जा रहा है, सोच लीजिए बॉडी से कितना दूर खेल रहे हैं आप, ठीक है, बॉडी से दूर खेल रहे हैं, पहली चीज़ क्या है, आपके बॉटम हैंड लगने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे एयर में अगर बॉल थोड़ा सा आपकी, जैसे आप ड्राइविंग लेंथ यहाँ है, थोड़ा सा पीछे चल गई और आपने बैट फेंक दिया, तो एयर में जाना स्टार्ट होगा। तो बैटिंग करते वक्त आपको ये ज़रूर ध्यान देना है, ये बिल्कुल ध्यान देना है कि बैटिंग करते वक्त आपका बैट कंट्रोल में रहे, ठीक है। तो ये मिस्टेक सबसे बड़ी उनकी है जिनके पैर छोटे निकलते हैं, थोड़ा सा बड़ा निकालिए आप पैर। जब आप बैट देखिए, मैं बैट्समैन हूँ, जब मैं बड़ा पैर निकाल रहा हूँ तो यही तक फिनिश हो रहा है, अगर मैं यही कर दूंगा तो मेरा बैट कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ ज़्यादा जा रहा है। तो इस ये सबसे बड़ी इशू है जो मॉडर्न डे के कुछ बैट्समैन आ रहे हैं, जो पैर छोटा निकालते हैं और ड्राइव्स खेलना स्टार्ट कर दे, तो उनकी आदत बन जा रही है, उनकी हैबिट बन जा रही है। तो आप अपनी हैबिट, ये हैबिट अपनी बदलिए, अगर ये हैबिट आप अपनी बदल दे रहे हैं तो आपकी बैटिंग में देखेंगे बूस्ट होगा, आपकी इम्प्रूवमेंट अच्छी होगी। क्यों, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बॉल अपने आईज लेवल और बॉडी के पास मीट करेंगे। जब आप अपने बॉडी के पास मीट करेंगे तो आपके स्ट्रोक्स भी लगेंगे, आपके रन्स भी निकलेंगे और आप आउट भी कम हो। लेकिन कभी कभी आप भी गलती ये क्या करते हो, जैसे आपका बैट यहाँ से आ रहा है तो यहीं से मारने चले जा रहे हो, ठीक है, यहीं से। तो जितने भी व्यूअर्स हैं ये इस बात का ध्यान दें कि अगर आप अपनी बैटिंग इंप्रूव करना चाहते हो तो बैट यहाँ से है, तो चाहे जब भी ऑन ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव खेलें आप, तो आप ये ध्यान दें कि ये बैट यहाँ से सीधा आएगा, ठीक है, यहाँ से सीधा आएगा तो क्या फ़ायदा मिलेगा आप देख लीजिए, आपके बेनिफिट्स क्या होंगे। अब सपोज कीजिए मेरा बैट यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, तो क्या है, फेस बंद हो रहा है और ऑन ड्राइव अच्छी नहीं लगेगी। आप मेडॉन और इसके नए फ्लिक मार सकते हैं आप, लेकिन ऑफ ड्राइव उतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे, जैसे विराट कोहली का आप देखेंगे, यहाँ से बैट सीधा आता है तो क्या है, या फुल ब्लेड, जितना ज़्यादा बैट का पार्ट लगेगा, बैट का पार्ट पे बॉल हिट करेगा, जितना मिडिल पे हिट करेगा उतना अच्छा आप स्ट्रांग फिनिश होगा बॉल का, उतना अच्छा स्वीटनेस टाइम मिलेगी, बॉल को टाइम अच्छा रहेगा और स्ट्रोक्स भी जाएंगे। आप देखते होंगे विराट कोहली का स्ट्रेट बैट से, क्योंकि बैट विराट कोहली का सीधा आता है। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो कोशिश करते हैं विराट कोहली की तरह बल्लेबाजी करने की, लेकिन उनके वो विराट वाले शॉट इसलिए नहीं लगते क्योंकि उनका बैट यहाँ से क्रॉस चलता है, ठीक है। जब आपका बैट इस तरीके से विराट की तरह सीधा आएगा तो आप जितने भी स्ट्रेट शॉट विराट कोहली के मारता है, चाहे ऑन साइड में मारता है चाहे सीधा मारता है।